देश में बच्चियों और महिलाओं के साथ बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार द्वारा कोई ठोस कदम ना उठाए जाने को लेकर आज हरदोई में महिलाओं का गुस्सा फूट गया। सामाजिक संगठन की महिला और पुरुषों ने फ्लैग मार्च निकाल बलात्कारियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की। हाल ही में देश में घटी कुछ दरिंदगी की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। मासूम बच्चियों के साथ रेप के बाद दर्दनाक रूप से मौत से कश्मीर के साथ साथ कन्याकुमारी तक हिल गया है, मगर मोदी सरकार की आंखें फिर भी नहीं खुली, जिस बात को लेकर आज हरदोई में सामाजिक घटनाओं की महिलाओं और पुरुषों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी बलात्कारियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत फांसी की मांग की है। क्या वजह है? चाहते हैं जो लड़का हमारी छोटी बच्चियों का बहुत बलात्कार ये कर रहे हैं, दुर्दशा बना रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, फांसी सजा होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं हो सकती है तो हम महिलाओं को सुपुर्द कर दें, हम करेंगे उसका निर्णय कैसे उसके साथ क्या करना है। बहुत हो चुका है, बहुत बर्दाश्त हो चुका है, अब नहीं बर्दाश्त है बिल्कुल भी। अभी तक सरकार ने क्या कदम उठाया? कानून पारित हुआ है, 12 साल से कन्या कम उम्र की कन्या है उनको फांसी सजा दी जाएगी, लेकिन उसमें वक्त लगता है, वो निश्चिंत घूमता है, उसके साथ और लोगों को सह मिलती है, वो और कांड करते हैं। हम चाहते हैं इसका निर्णय जल्दी जल्दी तुरंत दिया जाए जो भी बच्चे के साथ होता है, और नहीं तो हम लोग सपोर्ट करें महिलाओं को, हम लोग खुद निर्णय देंगे क्या करना है। हम लोगों को फांसी देने में सक्षम नहीं है तो जो बलात्कारी है, जो दोषी है, उन्हें जिस के साथ गिरफ्तार किया गया, जो जिस पीड़िता के परिवार को सौंप देना चाहिए उसको जो करना होगा वो करेगा। अगर वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो पीड़िता को परिवार को सौंप देना चाहिए।